हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय रिएक्शन चैनल। माय नेम इज राजेश पासवान। आई होप आप सभी की बहुत बहुत केयरफुल होंगे कोविड को मतलब कोविड के लिए। प्लीज़ सभी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उन्हें फॉलो करो, मास्क पहनो, वरना आपको जो पता ही है कि कितना बुरा हाल है। ठीक है, अब तो फिलहाल केसेस इंडिया में थोड़े कम हो रहे हैं, पर फिर भी अभी भी बहुत सारे केसेस हैं और बहुत सी डेथ्स हो रही हैं। आज मैंने था न्यूज़ में देखा कि आज जो है हाईएस्ट वो मतलब वो डेथ हुई है आज, मतलब 4,000 के आसपास लोग आज आज के दिन पे जो है मतलब वो मरे हैं। तो बहुत सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो बस बच के रहो। गलती से आपको जो है वो लगना जाए, उसे लाइटली बिल्कुल मत लो। ये मत कहो कि ये बन नहीं, हम तो यंग हैं, हमें हो जाएगा, हम कुछ नहीं है, हम ठीक हो जाएंगे। हो जाते हैं भाई, लोग ठीक हो जाते हैं, मानता हूँ मैं, पर बहुत सारे लोगों की सिचुएशन ख़राब भी हो जाती है, उनकी डेथ भी हो रही है, आप देख ही सकते हैं। तो अपनी किस्मत को इतना भी टेस्ट मत करो कि बाद में जो है पछताना पड़े। सो इसी नोट पे आपको जो थोड़ा सा केयरफुल करना चाहता था मैं, या फिर मैं कहूँ कि डराना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा डर भी अच्छा है जबकि जान बचा ले। तो अब बात करते हैं अपनी वीडियो के बारे में। तो वीडियो जो है वो मेरी फेवरेट, मेरी बहुत बहुत फेवरेट एक त्रिपुरी एक्ट्रेस है, बीबा जमातिया जी। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको पता ही होगा कि ये मुझे कितनी जो है पसंद है। और अब इन्होंने एक्टिंग के अलावा एक नया काम भी शुरू किया है, वो है सिंगिंग। ये इन्होंने हिंदी सॉन्ग है तेरे संग यारा, उसको जो है कवर किया है, और सुनते हैं ऐसा है सॉन्ग। और इससे दो चीज़ें मालूम पड़ेंगी, एक तो उनकी आवाज़ कैसी है और दूसरी कि हिंदी कैसी है। ऐसे मुझे पता है क्योंकि उनकी हिंदी बहुत अच्छी है, कि वो अपने इंस्टाग्राम पे ना वो रील वगैरह जो है वो हिंदी सॉन्ग्स के डालते रहते हैं जो मैं देखता हूँ। तो मुझे पता है कि हिंदी तो अच्छी है ही, पर देखते हैं यहाँ कितनी अच्छी है। अभी गाते हुए तो मैंने आज तक नहीं सुना, वो बस रील्स में बस लिपसिंग होती है उनकी, पर देखते हैं कितना अच्छा वो गा लेते हैं। ना फटाफट आपको और टाइम नहीं लूँगा, वीडियो को शुरू करते हैं क्योंकि मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ। वन टू थ्री। कॉपीराइट ऑनर जी म्यूजिक कंपनी। बीवा जमतिया सिंगिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, पहली बार गा रहे हैं भाई, गलती गलती माफ। डू स्पे मेलोडी का स्टोरी सो कहां दे। ओ करम खुदाया है, क्या बात है, तुझे मुझसे मिलाया है। हिंदी और सिंगिंग दोनों ही बहुत अच्छी है। तुझ पे मर गए ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी सितारा। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। कहीं किसी भी गली पे जाऊं मैं, तेरी खुशबू से टकराऊं मैं, हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू। तेरा मेरा दूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूँ सुना सा एक आसमां में ताब तू। अच्छा है, ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर गए जीना।
तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तेरे बिना अब तो न जीना गवारा सब कुछ मेरे लिए तेरे बाद है सौ बातों की एक बात है मैं न जाऊंगा कभी तुझे छोड़ के ये जान ले ओ करम खुदाया है तेरा प्यार जो पाया है तुझ पे मर के ही तो तेरे संग यारा खुश रंग बहारा तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा मैं बहता मुसाफिर तू ठहरा किनारा अच्छा लग रहा था यार गाइड नाउ कर दो भाई कर दो इतना अच्छा अच्छा काम करते हैं और तो कुछ नहीं है तो भाई मेरे को तो बहुत पसंद आया आपका पता नहीं मुझे बहुत पसंद आया सही में तो फैन हो गया यार फैन तो पहले पहले भी था बहुत पर अब सिंगिंग का भी फैन हो गया एक्टिंग का तो था ही एक्सप्रेशन तो मैडम बहुत सही देते हैं और सिंगिंग भी अच्छी है और हिंदी तो कमाल है यार तो इतनी साफ है हिंदी ओके चलो ठीक है कभी मैं इनका ऑटोग्राफ लेने के लिए जो है त्रिपुरा आया तो कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी ओके सो ये सॉन्ग वैसे 13 संग 11 सॉन्ग है ये आई थिंक टाइगर श्रॉफ है मतलब जिस मूवी का सॉन्ग है उसमें टाइगर श्रॉफ है मैंने ये सॉन्ग कभी भी पूरा नहीं सुना हल्का फुल्का जानता हूँ आज ये सॉन्ग मैंने पूरा सुना है अच्छा लगा जस्ट बिकॉज क्योंकि बीवा जमातिया ने गाया है और उनको पसंद है तो मुझे ही पसंद है अब जाकर सुनूंगा इस सॉन्ग को दोबारा से और आप बताइए आपको ये सॉन्ग जो है कैसे लगा और उनकी सिंगिंग जो है कैसी लगी सही में अपन ये मोहतरमा जो है वो बहुत टैलेंटेड है क्या क्या बस एक्टिंग मॉडलिंग और सिंगिंग भी वाह जो भी इनकी माता हैं उनके तो बस पैर छूने को मिल जाएगा अभी मुझे जिंदगी सफल हो जाएगी इतनी टैलेंटेड बेटी को उन्होंने जो है जन्म दिया सो आज के लिए बस इतना ही और मन खुश हो गया मेरा जिन्होंने भी ये मुझे रिकमेंड किया था भाई आपको बहुत थैंक यू अब मिलते हैं अपने अगली वीडियो पे तब तक के लिए बाय टेक केयर और कोविड वाली बात को याद रखिएगा फॉलो करो सब कुछ मास्क मुस्क भाई जो है पैंक निकलो चलिए मिलते हैं आप अगली वीडियो पे।